जी कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, ये कोई मेरा कोई पर्सनल अपना एक शौक है, कोई इस तरह से नहीं है कि मतलब कोई ह्यूमन जो है वो ट्रैफिकिंग कितनी होगी और व्यूअर्स कितने होंगे और जो है जिस तरह से लोग करते हैं कमर्शियल बेसिस पे, वो तो नहीं है। ऐसे 2 साल पहले किसी दोस्त ने ये मुझे बना के दिया था चैनल यूट्यूब, तो फिर दोस्तों ने हेल्प की, वो सब्सक्राइब भी हो गया था और मोनेटाइज भी हो गया। तो फिर मैं चला गया सर्विस पे, अभी 2 4 दिन घर आया हूँ, तो इसी को जो है वो फिर कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि कोई चीज़ अपने अपने लिए बनाऊँ, अपनी बातें खुद से करूँ, क्योंकि जब मैं अपने व्यूवर्स देख रहा हूँ तो कभी कोई 5 हैं तो कभी कोई 1 है, तो इस तरह से मैं वहाँ पे था गड़िया सिंह में DSP, तो वहाँ इस तरह से कोई इंसिडेंट हुआ कि रोड ब्लॉक हो गया, कुछ लेडीज ने रोड ब्लॉक किया, वो रोड खुलवाने के लिए थोड़ी इस तरह से मिसीव हो गई, तो वो एडिटिंग करके जो जो किसी दोस्त हमारे ने ना वीडियो छोड़ी, तो वो सिंधी में वो जैसे कहते हैं मान थो मन्या, ये जुल्म दास्तान न थो मन्या, वो इस तरह से तो ऐसी वायरल हो गई कि 25 लाख जो है वो लोगों ने वो देखी। अब अभी अभी यहाँ पे तो रहते हैं तो सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई एक आदमी, कोई 5 आदमी इस तरह से चलें, कोई इशू नहीं, चलता रहेगा, वो रेगुलर बेसिस पे ये करना चाहिए काम, तो वो रेगुलर तो मैं भी नहीं करता, कभी कभार मकसद तो बात ये करने की कि जिस तरह से पाकिस्तान की आबादी बढ़ी है या आबादी बढ़ रही है, तो इस हिसाब से अब जो कहते हैं कि कोई कहता है कि 25 करोड़ का मुल्क है, कोई कहता है कि 24 करोड़ का है, कोई 28 का, माशाल्लाह। और तो कोई कामों में हमने तरक्की की नहीं, की वसाइल बढ़े नहीं बढ़े, लेकिन आबादी पे जो है प्रेशर है अच्छा खासा, बड़ा मुल्क है बड़ा मुल्क, और 2050 में कहते हैं कि पाकिस्तान जो है 50 करोड़ लोगों का मुल्क हो जाएगा, 50 करोड़ लोगों का मुल्क 2050 में। अब जरिए मुल्क जो यहाँ पे कल परसों जो वीडियो में मैंने वो जो तो रेट्स बताए सब्जी के, वो भी आपके सामने है, तो ऐसे तो लगते ही नहीं कि कोई ये ज़रई मुल्क है, और नाम का है ज़रई मुल्क। वो जिस तरह से ये बिल्डर्स जो है, ये कॉलोनियाँ जो जो टाइकून स्टेट जो काम करते हैं बिल्डर, जिस तरह से ये नई नई कॉलोनियाँ कट रही हैं, मैं तो देख रहा हूँ कि हैदराबाद में तो अभी कोई फुलेली कैनाल रह गया, और ये समय सही बेटा, सही लगा हुआ
लिख के नाल रह गया, और इस तरह से कोई आ गया, कोई कोटड़ी कोटड़ी वाला जो दरिया है समंदर वो रह गया, और कुछ लोगों ने तो इस तरह से कोटड़ी या इस तरह से करीब करीब जो दूसरे कुछ लोग वो जो जो समंदर का पेट खाली था उन पे भी कब्जे करके जो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन बंगले बना लिए। तो ये सिलसिला जो है वो मुसलसल चल भी रहा है। मीर प्रकाश की जो प्रॉपर्टियां हैं उनकी रेट्स इतने हैं कि शायद इस्लामाबाद में ऐसे रेट नहीं होंगे जितने यहाँ पे रेट हो गए। यहाँ पे जो मेरे घर के सामने जो कॉलोनियाँ कटी हैं उनमें जो है उनमें जो रेट उनके हैं कम अज कम जो है वो 4,000 रुपये, 4,000 रुपये मतलब कम अज कम मैं बता रहा हूँ रेट है। कम अज कम 4,000 रुपये रेट है। इस तरह से जो यहाँ पे दूसरी अच्छी कॉलोनी है जीआर रोड, इस तरह से रोड पे मेन रोड पे 8,000 रुपये फिट, और मीर प्रकाश के जो पुराने जो इलाके हैं सुनने में 15,000 रुपये फिट। कोई इस तरह से हैदराबाद जो केएफसी वगैरह बनी हुई है वहाँ पे सुनने में कोई 30,000 रुपये फिट, इससे भी कोई आगे कोई सुनने में 50,000 रुपये फिट। ये मैं ये तो वसूल से बात नहीं कर रहा लेकिन मैं सुनने में मे बी आई एम रॉन्ग, रॉन्ग तो नहीं है क्योंकि छोटा शहर है लोग बातें कर रहे हैं। अब एक आदमी बिलफर्ज समझो कि मैं डीएसपी हूँ अभी, और अभी 5 साल 4 साल 5 6 साल नौकरी है, सपोज कि आज मैं रिटायर हो रहा हूँ तो गवर्नमेंट साहब देगी मेरे ख्याल में 45 लाख या 40 लाख, वो भी मिलेंगे 2 साल के बाद, और उसमें भी सुर्ख फीका जब भी आप ट्रेजरी पहुंचोगे तो बोलेंगे साईं पैसे नहीं है, बजट नहीं आया, ले दिल दे के मुबैना तौर पे ले दिला के भेजन दूंगो जाके अपना अपने बामुश्किल से जो आपने सारी जिंदगी नौकरी की वो पैसे आपको मिलेंगे। तो वो हैंडसम अमाउंट तो नहीं कहेंगे लेकिन वो इतनी अमाउंट है जिससे बामुश्किल से एक प्लाट जो है वो ले सकते हैं। तो फिर अंदाजा करेंगे किसी बच्चियों की शादी है, बच्चों की शादी है, फिर उनको जो है उनके हाथ जो है वो पीले करने हैं, फिर बेटों की है, फिर इस तरह से ये इस तरह से अगर हम सोचें तो सिवाय गिद्धू के कोई रास्ता नहीं बैठता। और मेरी तो वैसे भी कई नसें जो है ना वो इस तरह से कोई आगे पीछे हो भी गई है, उम्र के हिसाब से कुछ मारूजी हालात ऐसे हो गए कि शुक्र है नसें फटी नहीं है लेकिन नसें अपनी जगह छोड़ चुकी हैं और हर वक्त गिदू गिदू कर रही हैं। वो शायद अभी मुझे तो इस तरह से मैंने अभी पिक्चर आपके सामने पेश की तो सिवाय गिद्धू की और कहीं अच्छी जगह नजर नहीं आ रही। मैं जनरल एक बात कहता हूँ तो सब लोगों के साथ ये है, तो ये है कि भाई बजाय सारी जिंदगी एक नौकरी के पीछे पड़ने से बेहतर है कि आप अपने बच्चों को खुद जो है आफ्टर द रिटायरमेंट थोड़ी बिजनेस की तरफ आ जाओ, बिजनेस करो। नौकरी बंदे की जो है वो फैमिली पालती है, बीवी
बीवी की लिपस्टिक, उसके नखरे और उसकी भौहें सेट करने के लिए वो जो बेचारी ब्यूटी पार्लर बैठी है उसके लिए बमुश्किल से 100 रुपये या 200 रुपये नौकरी इतने पैसे दे सकती है अगर ऐलान करें बात तो। और बिजनेस जो है वो नस्लें पूछते हैं, नस्ल दर नस्ल 7 नस्ल पालती है। फिलहाल तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर इस तरफ से भी इस तरफ भी है। और सपोज सपोज अगर मैं सिर्फ नौकरी करता, जहाँ तक मेरा ख्याल है, तो मेरा किसी ज़माने में साइड बिजनेस था ये ठेके में ज़मीन के मुकादे मुकादे। जब वो था तो उस हालात बेहतर थे, पैसे की फरावानी फरावानी थी, खुशहाली थी, जेब में पैसे थे। जब से वो छोड़ दिया तो जैसे छोड़ा तो उससे अल्लाह के पाक ने रोजी भी मतलब ख़त्म कर दी, रोजी को ब्रेक लगा दिया एक जगह पे मखसूस, हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ। अब बेचारी जो है मेरी घर वाली कह रही है कि तू बड़ा जो है वो ठीक है, खुश है, वैसे ही बेचारी तारीफ करती है अपने मियाँ मिठू। लेकिन मैं समझता हूँ कि खुशहाली हमसे कई हजार किलोमीटर दूर है। सारी दुनिया पे खुशहाली के बादल बरस रहे हैं, लोगों के घरों के ऊपर बादल टिक के बरस रहे हैं। लोग इतने भगवान खुशहाल है कि ऐसे हाथ ऊपर करते हैं कि खुशहाली के बादल को लगता है। और हम उनमें स्पेशली अगर खुद भी नहीं लगा कर भी देखो, टेलीस्कोप लगा के देखो और कोई माइक्रोस्कोप लगा के देखो, फिर भी कहीं बादल नजर नहीं आता सवाए बीवी के और उसकी तसली के। तसली के वो बेचारी भी अल्लाह बस अल्लाह की गाय है, बेचारी अल्लाह की गाय है। लेकिन अल्लाह की गाय है लेकिन अपने आप को समझती तो नरेंद्र मोदी है, और है भी हमारे घर में मोदी, और हम तो उसके सामने ऐसे मोदी के सामने ऐसे जैसे हिंदुस्तान में मुसलमान पिसे हुए हैं। तो मोदी हमारे घर में ऐसे जैसे हम मुसलमान हिंदुस्तान में पिसे हुए हैं। लेकिन मोदी का ख्याल ये है कि हम ठीक हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ठीक नहीं है, ठीक करने की ज़रूरत है। एक जो इशू बेसिकली जो हर जगह पे हर आदमी के पास है, तमाम तर लोग कहते हैं कि हम ठीक हैं, आप जिससे भी पूछे वो कहता है कि आई एम सेटिस्फाइड, मैं बहुत मुतमिन हूँ, खुशहाल हूँ, बस खुशहाली की तरफ बस देख रहा है। हालांकि सेटिस्फिकेशन जो है वो सिर्फ एक जहनी इलाज है, वैसे ज़मीनी हकायक जो है उसमें बहुत अभी काम करने की ज़रूरत है। अब मैं जो अपने हिस्से का काम वो तो कर रहा हूँ, बाकी एक्सपेक्टेड जो औलाद है बच्चे हैं उनसे मैं शायद ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब उनके जहन में ये कि उनको नरेंद्र मोदी ने बोल दिया कि आप लोग जो है बड़े खुशहाल हो, आपके यहाँ समंदर जो है खुशहाली के नहरें दूध की बहरी हैं, शहद के जो है वो तालाब हैं घरों के सामने, तो बेचारे वो सारे दिन सोए रहते हैं, 12 बजे तक तो सोए रहते हैं, तो फिर बमुश्किल से खुदा खुदा करके उठते हैं।
जैसे कोई टाइम ही नींद में चले जाते हैं, 12 बजे के बाद उठते हैं, तो अब तो वेकेशन है, तो कल परसों से फिर इनको ट्यूशन का बोला है। देखें अब क्योंकि अभी से जहन में आ गया ना, आप खुशहाल हो। और फिर पता नहीं नरेंद्र मोदी को किसने बोल दिया, तो शायद भाई भाई ने किसने बोला होगा कि ये कभी भी भूख नहीं मरेंगे। अब ये नरेंद्र मोदी ने हमारे घर में भी बात कर दी है। तो मोदी के सरकारी जो फौजी हैं, छोटे मोटे जनरल, सूखे हुए, भूखे हुए, नंगे, भूख नंग, शायद उनके भी जहन में आ गया कि हम खुशहाल हैं। तो खुशहाली भाई मुझे तो कहीं पे भी नजर नहीं आ रही। तो इसलिए नरेंद्र मोदी साहब से भी अर्ज ये है और उनकी फौज से भी कि भाई काम करो, मेहनत करो, और हनोज दिली दूरस्त। तो मैंने अपनी बीवी की बात की, आप दोस्तों से अर्ज की कि आपकी बीवी का मैंने नाम नहीं लिया, तो किसी को कोई तकलीफ हो जाए उससे पहले उससे माफी। हो सकता है कि आपके घर में कोई नरेंद्र मोदी ना हो, मैंने तो जनरली अपनी बात की। चलें जी, लाइट भी चली गई और वीडियो भी काफी बड़ा हो गया। यार खुदा हाफिज यार, जिंदा मुलाकात बाकी।